जी हाँ दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ सुग्गा नारायण और आप देख रहे हैं YouTube चैनल टेक्निकल नारायण। किसी भी मोबाइल का पटन लॉक खोले बिना फॉर्मेट किए 2 मिनट में, जानने के लिए इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें और देखें स्टेप बाय स्टेप और फॉलो करके अपना मोबाइल आसानी से पटन लॉक खोले। तो चलते हैं स्क्रीन पर और देखते हैं कि कैसे इसको खोलना है। इससे पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जितने भी नए लोग हैं, अगर इस चैनल पहली बार आए हैं तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोग के पास पहुंचे और इस सुविधा का लाभ उठा सकें। तो चलते हैं सीधा स्क्रीन पर। तो आपको सबसे पहला स्टेप है ये आपके लिए, आपको अपने स्मार्टफोन को पावर ऑफ कर देना है और पावर ऑफ करने के बाद आपको उसको लगभग 1 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देना है। 1 मिनट तक उसमें आपको कुछ नहीं करना है। दूसरे नंबर पर आपको करना है कि उसकी जो वॉल्यूम अप की है और पावर की है और होम की है, उन तीनों कीज को आपको एक साथ प्रेस करके रखना है। दोस्तों पावर अप की मतलब के जिस की से आप अपने मोबाइल फोन की वॉल्यूम को इंक्रीज करते हो, वॉल्यूम को बढ़ाते हो उस बटन को, और जो पावर बटन है जिससे आप अपने स्मार्टफोन को शट डाउन और स्विच ऑन करते हो उस बटन को, और जो होम बटन है, इन तीनों बटन को आपको एक साथ प्रेस करके रखना है। ध्यान रहे कि तीनों बटन एक साथ प्रेस होने चाहिए जब तक कि आप रिकवरी मोड में एंटर ना हो जाए। अगर बहुत सारे स्मार्टफोन ऐसे होते हैं कि उनमें होम बटन नहीं होता, तो फिर आपको उसमें सिर्फ वॉल्यूम अप बटन और पावर बटन को प्रेस करके रखना है, और आपको वॉल्यूम अप बटन और पावर बटन को तब तक प्रेस करके रखना है जब तक कि आप रिकवरी मोड में एंटर ना हो जाए। उसके बाद आप जैसे ही रिकवरी मोड में एंटर होंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको शो होगा। यहाँ पर आपको एक एंड्रॉइड का आइकन मिलेगा और यहाँ पर ये आप रिकवरी मोड में एंटर हो गए हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर पावर बटन को एक बार प्रेस कर देना है। जैसे आप पावर बटन को एक बार प्रेस करते हो तो आपके सामने कुछ इस तरह की स्क्रीन शो होगी। इसमें आपको कुछ फंक्शंस मिलेंगे जैसे कि रिबूट सिस्टम नाउ, अप्लाई अपडेट फ्रॉम एसडी कार्ड, अप्लाई अपडेट फ्रॉम एडीबी, वाइप डेटा फैक्ट्री रिसेट, वाइप केस पार्टीशन। तो मैं ये अलग अलग फंक्शन आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए कि आपको यहाँ से कौन से फंक्शन को, कौन से ऑप्शन को टच करना है। तो दोस्तों जो सबसे पहला ऑप्शन है यहाँ पर रिबूट सिस्टम नाउ, इस पर अगर आप टच करते हो तो आपका स्मार्टफोन रिबूट हो जाएगा और इसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। अप्लाई अपडेट फ्रॉम एसडी कार्ड और एडीबी, इसमें अगर आप एसडी कार्ड से या एडीबी से कोई अपडेट अपने मोबाइल फोन में डालना चाहते हैं तो आप इन दोनों ऑप्शन का यूज कर सकते हो। अब यहाँ पर आता है चौथा ऑप्शन, ये वाइप डेटा फैक्ट्री रिसेट ऑप्शन है, इसी को हमें चूज करना है। दोस्तों ऐसा हो सकता है कि आपके स्मार्टफोन में यहाँ पर कुछ ज्यादा ऑप्शंस आए, 7 या 8 ऑप्शंस आए, लेकिन आपको ये वाइप डेटा फैक्ट्री रिसेट का ऑप्शन वहां जरूर मिलेगा, तो आपको वाइप डेटा फैक्ट्री रिसेट पर एक बार टच कर देना है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो वाइप डेटा फैक्ट्री रिसेट को हमने सिलेक्ट किया हुआ है और इस पर टच कर दिया है। इस पर टच करते ही आपको यहाँ पर जो नेक्स्ट पेज ओपन होता है वो कुछ इस तरह का शो होता है। इसमें आप देख सकते हो यहाँ लिखा हुआ आता है कन्फर्म वाइप ऑफ ऑल यूजर डेटा, दिस कैन नॉट बी अनडन, कि यहाँ से आप अपने इसको ऑल यूजर डेटा को के वाइप करने को कंफर्म कीजिए और ये बाद में कभी रिकवर नहीं हो सकता। तो यहाँ आपको ऑप्शंस मिल रहे हैं नो नो नो, तो यहाँ पर एक ऑप्शन आपको मिलता है यस रेज एवरीथिंग, तो आपने यहाँ पर यस रेज एवरीथिंग पर टच कर देना है। ओके दोस्तों, तो जैसे ही आप इस पर यस डिलीट ऑल यूजर या रेज एवरीथिंग पर जब आप क्लिक करते हो तो आपका स्मार्टफोन लगभग 2-3 मिनट में फिर से रिबूट हो जाता है, और फिर रिबूट होने के बाद आपको बिल्कुल इसी तरह शो होता है जैसे कि आपको नया स्मार्टफोन खरीदते हो। तो अगर आपके स्मार्टफोन में कोई लॉक लगा हुआ है, चाहे वो नंबर लॉक हो, पैटर्न लॉक हो, या किसी पिन लॉक हो, कोई भी लॉक हो, वो सब खत्म हो जाएगा और जितना भी डेटा आपके स्मार्टफोन में होगा सारा डिलीट हो जाएगा, और इसके बाद आपका जब स्मार्टफोन फिर से स्विच ऑन होगा तो उसका इंटरफेस कुछ बिल्कुल इस तरह का होगा जैसे कि आप नया स्मार्टफोन परचेस करते हो। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो बिल्कुल शुरू से आपका स्मार्टफोन हो जाएगा। शुरू में आपको लैंग्वेज और फिर वाईफाई चाहो तो कर सकते हो वरना स्किप कर दोगे, और फिर उसके बाद आपको लॉगिन करना है, ये सारे के सारे ऑप्शंस आपके सामने फिर से आ जाएंगे। तो आई होप दोस्तों कि इस वीडियो में आपको पूरे के पूरे स्टेप्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको लगता है कि अभी कोई स्टेप क्लियर नहीं है या आपको अपने स्मार्टफोन को फैक्ट्री रिसेट करने में, अपने स्मार्टफोन का पैटर्न या कोई भी लॉक तोड़ने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप नीचे कमेंट करके मुझे फिर से बताइए और मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा।